हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम जीके में। दोस्तों, क्या आप राजस्थान के विभिन्न कम्पिटेटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस, पटवारी भर्ती, शिक्षक भर्ती परीक्षा और RSMSSB सहित RPSC की विभिन्न परीक्षाओं में आप हिस्सा ले रहे हैं? तो आपके लिए हम यहाँ राजस्थान टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स उपलब्ध करवा रहे हैं, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड भर शिक्षक भर्ती और राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस भर्ती सहित अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश की सेना ने स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता जीती? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सेना ने स्काउट स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता जीती थी? तो दोस्तों, वह है भारत। भारत देश के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में आयोजित स्काउट मास्टर प्रतियोगिता को भारतीय सेना ने जीता था। सेकंड सवाल है दोस्तों, किस राज्य ने रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली? बताइए दोस्तों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है, वह है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेस नामक कार्यक्रम आरंभ किया है। दोस्तों, यह नाम आया रेस। रेस की फुल फॉर्म है रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एक्सलेंस है। दोस्तों, इसका हिंदी है उत्कृष्टता वाले कॉलेजों के लिए संसाधन सहायता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किसने प्लेयर इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया जाएगा? दोस्तों, कौन है वो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे? भागीरथ चौधरी, राजेंद्र सिंह, मोहम्मद रफीक या मुकेश चौधरी? राजस्थान के किसने प्लेयर इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? दोस्तों, वो करेंगे मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक हैं वो प्लेयर इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रति कॉम्पिटिशन कहाँ पर आयोजित किया गया? यानी अभी पांचवा जो इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कॉम्पिटिशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर, जयपुर, दिल्ली या मध्य प्रदेश? इन चारों ऑप्शन में से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों जैसलमेर। यानी भारत में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन जैसलमेर में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन थाईलैंड में आयोजित होने वाले विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में के लिए भारतीय टीम हुआ है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसका चयन थाईलैंड में आयोजित होने वाले विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है? अजय सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, राजेंद्र सिंह या विवान कपूर? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों, अंतिम लास्ट में इसका मूल्यांकन जरूर करना, कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में हमें जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका सही आंसर है दोस्तों अजय सिंह शेखावत। यानी अजय सिंह शेखावत राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चयन थाईलैंड में आयोजित होने वाले विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंचिंग संरक्षण विधेयक पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? लिंचिंग संरक्षण विधेयक पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना दोस्तों? वो बना दोस्तों राजस्थान। मणिपुर के बाद राजस्थान उन्मादी भीड़ की हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। राजस्थान में अब उन्मादी हिंसा की घटना में पीड़ित की मौत पर दोषियों को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे राजस्थान का आचार्य चाणक्य शिक्षाविद अवार्ड दिया गया? बताइए कौन है? चार ऑप्शन है, डॉक्टर शालिनी, अजय सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी या राजेंद्र सिंह? राजस्थान का आचार्य चाणक्य शिक्षाविद अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों, वह दिया गया डॉक्टर शालिनी को। राजस्थान का आचार्य चाणक्य शिक्षाविद अवार्ड दिया गया है।
डॉक्टर शालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस शहर को तीसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको तीसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला है? बताइए दोस्तों। वह दोस्तों जयपुर, जिसे तीसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला है। राजस्थान की जयपुर की चार दीवारी परकोटा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला है। इससे पहले जयपुर स्थित आमेर किले और जंतर मंतर को भी सूची में स्थान मिल चुका है। दोस्तों जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जयपुर शहर की स्थापना कब और किसने की थी? वो स्थापना हुई थी 1727 में, राजा जयसिंह ने की थी। 1727 में राजा जयसिंह ने की थी जयपुर शहर की स्थापना, जिसे तीसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D ओक्रोइव म्यूजियम किस शहर में शुरू किया जा रहा है? दिल्ली, बीकानेर, भोपाल या गुवाहाटी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बीकानेर। यानी इस म्यूजियम में 1.25 करोड़ से ज्यादा डिजिटल अभिलेखों को रखा जाएगा। यानी पहला 3D आर्काइव म्यूजियम किस शहर में शुरू किया गया? वो किया गया है दोस्तों बीकानेर में, जहां पर 1.25 करोड़ से ज्यादा डिजिटल अभिलेखों को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही 2019-20 की एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम की प्रथम रिपोर्ट के विश्लेषण में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शनों में से, चार ऑप्शन है, 25वां, 66वां, 26वां या 16वां? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? चार ऑप्शन है, अजय सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, राजेंद्र सिंह या मोहम्मद रफीक। यानी किसे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? दोस्तों वो हैं मोहम्मद रफीक, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान का नया राज्यपाल चुना गया है? चार ऑप्शन आपके पास, अजय सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, राजेंद्र सिंह या कलराज मिश्रा। हाल ही में राजस्थान का नया राज्यपाल चुना गया है। राजस्थान का नया राज्यपाल कौन है दोस्तों? वह है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आयुक्त का पदभार संभाला है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आयुक्त का पदभार राजस्थान में किसने संभाला है? इसका चार ऑप्शन है, अजय सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, राजेंद्र सिंह या नीरज कुमार। इसका राइट आंसर है दोस्तों नीरज कुमार, जो राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आयुक्त का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किसने जीता? इसके चार ऑप्शन है दोस्तों, सुमन राव, अनुकृति देसाई, सुमित्रा महाजन या रश्मि पंडित। बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है सुमन राव। राजस्थान की सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता है। सुमन राव कहाँ के दोस्तों? राजस्थान की। मिस इंडिया 2018 तमिलनाडु की अनुकृति ने सुमन राव को मिस इंडिया 2019 का ताज पहनाया। किसने पहनाया? वो पहनाया तमिलनाडु की अनुकृति ने, जो पहली मिस इंडिया 2018 रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? इसके चार ऑप्शन है, जयराम रमेश, दिनेश पाटिल, ओम बिड़ला, अर्चना पटेल। यानी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं जो हाल ही में हैं? कौन दोस्तों? वो हैं ओम बिड़ला। यानी भाजपा के ओम बिड़ला को निर्विरोध 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिड़ला राजस्थान के कोटा बूंदी से भाजपा सांसद हैं। ओम बिड़ला का जन्म 4 दिसंबर 1962 को कोटा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिनको हाल ही डॉक्टर थॉमस कंगन लीडरशिप अवार्ड 2019 दिया गया। राजस्थान का वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिनको हाल ही डॉक्टर थॉमस कंगन लीडरशिप अवार्ड 2019 दिया गया। चार ऑप्शन है, डॉक्टर शालिनी, अजय सिंह शेखावत,
बागित चौधरी या राजेंद्र सिंह? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मेडिकल व स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए 2019 विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड जीता? किसने जीता दोस्तों? इसके चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या असम। ऐसा कौन सा राज्य है इसके मेडिकल व स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए 2019 विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड जीता था? वह हैं दोस्तों राजस्थान। यह पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया? कौन सा राज्य है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में बेहतर प्रदर्शन के रूप में एक अवार्ड मिला था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? तो राइट आंसर दोस्तों इसका वह राजस्थान, यानी राजस्थान को मिला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में बेहतर प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है राजस्थान। यानी कि अब कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए 1100 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए यह राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान के किस नगर परिषद को ठोस कचरा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है झुंझुनू, सरदार शहर, मुकाम या डूंगरपुर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों डूंगरपुर। डूंगरपुर को नगर परिषद को ठोस कचरा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डूंगरपुर नगर परिषद को किया गया है। नीदरलैंड ने राजस्थान की डूंगरपुर नगर परिषद को ठोस कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता कार्यक्रम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, राजस्थान सरकार किशोरों के लिए खोले गए किन क्लिनिक में सुधार कर रही है? इसके ऑप्शन है उजाला क्लिनिक, दैनिक क्लिनिक, सवेरा क्लिनिक या बागड़ क्लिनिक। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों उजाला क्लिनिक, जो राजस्थान सरकार ने हाल ही में चालू किए हैं किशोरों के लिए खोले गए हैं क्लिनिक सुधार के लिए। राजस्थान के 10 जिलों में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उजाला क्लिनिक कार्य करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया है? देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया है, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इन ऑप्शनों में बताइए दोस्तों किसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान। यानी राजस्थान में स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक ने 19 मई 2019 को देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया। इस वॉलेट के जरिए रक्तदाता द्वारा दिए गए रक्त का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने पहली बार जेल विकास बोर्ड का गठन किया है, चेयरमैन कौन होंगे? बताइए दोस्तों, यानी राज्य सरकार ने पहली बार ही जेल विकास बोर्ड का गठन किया है और उसके चेयरमैन कौन है? अजय सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, राजेंद्र सिंह या अशोक गहलोत? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान पर प्रदेश का पहला बेटियों का उद्यान बनाने की घोषणा की है? यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर प्रदेश का पहला बेटियों का उद्यान बनाने की घोषणा की है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या डूंगरपुर? राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें हमें। और इसका राइट आंसर दोस्तों वो है डूंगरपुर। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण देने की घोषणा की थी? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो प्राइवेट नौकरी पर 75% आरक्षण देता है?
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा? इसका राइट आंसर दोस्तों वो है राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने अपने 15 स्कूलों का नाम शहीदों के नाम रखने का आदेश दिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली सातवीं महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए शालिनी वर्मा, ऑप्शन बी प्रिया शर्मा, ऑप्शन सी जेमिली लोखंडे, ऑप्शन डी कमला कीर्ति। राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रिया शर्मा, यानी राजस्थान के झुंझुनू की प्रिया शर्मा 15 दिसंबर 2018 को वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली देश की सातवीं महिला बन गई है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य ने अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या गुजरात? अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की है वो किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों? वो की है राजस्थान ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एआई सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहाँ पर लगाया गया है? यानी देश का पहला एआई सुपर कंप्यूटर है वो राजस्थान में कौन से जिले में लगाया गया है? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जयपुर, आईआईटी कोटा या आईआईटी नागौर? एआई सुपर कंप्यूटर देश का पहला, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है? इसके राइट ऑप्शन है वीमेन जोन, क्रिक वीमेन जोन, क्रिक जोन या फीमेल जोन। बताइए इसका राइट आंसर, विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है? इसका राइट आंसर दोस्तों वो है क्रिक जोन, यानी दुनिया की पहली विशेष महिला क्रिकेट पत्रिका क्रिक जोन का शुभारंभ उद्घाटन जयपुर राजस्थान में महिलाओं के T20 चैलेंज इवेंट के मौके पर किया गया।